بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي साथियों, इस दुनिया में जीने के लिए और आखिरत में निजात के लिए अमल ज़रूरी है। अगर इंसान दुनिया में ज़िंदगी बसर करना चाहता है, अगर दुनिया में इंसान आराम की ज़िंदगी चाहता है और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की नेमत और जन्नत की अबदी राहत से हमकिनार होना चाहता है तो उसके लिए अमल ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वकुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। आप उनसे कहिए कि काम करो, हाथ पांव बांध करके बैठे ना रहो, अमल के मैदान में उतरो। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का रसूल और मुमिनीन ये देख रहे हैं तुम क्या काम करते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे काम का मामला सिर्फ इसी दुनिया ही तक नहीं है। जो कुछ तुम ये कर रहे हो वो सारा का सारा अमल ले करके सतुरदूना इला आलमिल गैब व शहादा और गैब को जानने वाले, हाजिर को जानने वाले रब के सामने तुम लौटाए जाओगे और फिर तुम्हारे अमल का बदला देगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहां अमल से दोनों अमल मुराद, दीनी अमल भी और दुनिया का अमल भी। गोया एक मोमिन को दावत दी जा रही कि वो काम करे, हाथ और पैर बांध करके बैठा ना रहे, उसे अमल करना। खुद इसकी अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि सुनन इब्न माजा में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज आना फज्र के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا। ऐ अल्लाह ताला, हम आपसे पाक रोजी का, हम आपसे हलाल रोजी, हम आपसे नफा बख्श इल्म और ऐसे अमल का सवाल करते हैं जो अमल हमें जो हमारा अमल आप कबूल फरमाए। तो हर इंसान को अमल करने का हुक्म है और इस्लाम सिर्फ हुक्म ही नहीं देता बल्कि उसके साथ साथ उसकी बड़ी अहमियत बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में एक से ज़ायद जगह हमें और आपको अमल की तरगीब देता है। हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, अल्लाह ही की ज़ात है कि उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए नर्म बनाया, ताबिअ बनाया।
तुम जमीन में जैसे चलना चाहो, जैसे काम करना चाहो, जमीन कभी इनकार नहीं करेगी। जमीन पे एक मंजिला बिल्डिंग खड़ी करना चाहो, 200 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करना चाहो, जमीन कभी इनकार नहीं करेगी। जमीन में जैसे तुम चलना चाहो, मशरिक की तरफ है, मगरिब की तरफ है, शिमाल जनूब जहां भी है, जहां उस तबई जमीन है, आपको जमीन चलने से रोकेगी नहीं। लेकिन ये तुम्हारा जमीन में चलना फिरना अमल क्या होना चाहिए? किसी मकसद के लिए होना चाहिए। हुवल्लज़ी जअलकुमुल अर्ध ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा, लिहाजा जमीन के अतराफ में निकल जाओ, हाथ पैर बांध करके, हाथ पैर धो करके एक गोशे में खानकाह में बैठे ना रहो, निकलो अल्लाह की जमीन में। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ रिज़्क़ तलाश करो और उसे खाओ। हत्ता कि जुमा की नमाज के बाद, जाहिर बात जब जुमा की अजान का वक्त होता है तो उस वक्त खरीदो फरोख्त कतान मना। ये हमारे यहां बहुत बड़ी गलती है मुसलमानों की, अल्लाह की हदूद को पामाल किया जा रहा है कि जुमा की अजान होती और दुकानें मुसलमान खोले रखते, चाहे मुस्लिम मालिक है या गैर मुस्लिम मालिक है। इस सऊदीया को छोड़ करके तकरीबन पूरी जगह में आप देख लीजिए दुनिया में, जुमा की अजान होती है, खतीब खुतबा दे रहा है और हम बेओशरा के अंदर मशगूल हैं, जबकि कतअन नाजायज और हराम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ करके आओ, वज़रुल बै, और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। सिर्फ खरीदो फरोख्त ही नहीं, अगर तुम खेती के काम में मशगूल हो वो भी छोड़, अगर तुम अपने ऑफिस में बैठे हुए उसे भी छोड़ दो। तुम्हारे लिए अजान हो जाने के बाद कोई काम करना जायज, कोई भी काम तुम्हारे लिए अब जायज नहीं रह गया, हराम हो गया। बल्कि बहुत से उलमा के नजदीक, इसमें उलमाए हनाबिला हैं, वो ये भी कहते हैं कि उस वक्त अगर कोई आदमी कोई चीज बेचता है तो वो बेमुनाकिद होगी ही नहीं, वो बेमुनाकिद नहीं होगी। अगर कोई आदमी जुमा का वक्त हो जाने के बाद सफर करता है तो उसका सफर जायज ही नहीं होगा और उसे कसर नमाज का इख्तियार भी नहीं रहेगा, इसलिए कि नाजायज है। ये अहमियत है साथियों। लेकिन जैसे ही जुमा खत्म हो जाए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, फइज़ा क़ुज़ियत अस्सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, नमाज खत्म हो गई अब तुम फैल जाओ अल्लाह की जमीन में, निकल जाओ अल्लाह की जमीन में। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल है जो रोजी की शक्ल में अल्लाह ने दिया है तुम्हें, उसे तुम तलाश, तिजारत में भी लग जाओ, ज़राअत में भी लग जाओ, सारे काम में लग जाओ, कोई रुकावट नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमल पर जिस कदर उभारा है, बदकिस्मती से मुसलमानों का एक तबका उसी कदर अमल से दूर होता जा रहा है। वो दीन इसी को समझे हुए है कि किसी गोशे में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करते रहो, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम भी, हमारी बेवकूफी है कि एक ऐसा आदमी जो कोई काम नहीं करता, मस्जिद में बैठा रहता है, अपना घर आया गया, हम कहते हैं बड़ा नेक आदमी, वो नेक नहीं है, वो शरीयत से की मुखालफत कर रहा है। सुनन अबू दाऊद में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी शक्ल जो है वो मांगने की नहीं है, उसकी शक्ल काम करने के लायक है। आपने फरमाया, तुम्हारे यहां कोई चीज मौजूद नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे घर? कहा कि एक चादर है, उसी को आधा बिछाता हूं और आधा ओढ़ ले। एक कंबल है गोया, उसी को बिछाते हैं और आधा ओढ़ लेता हूं। आप कहा, आपने फरमाया जाकर ले आओ, ले आओ। इसका मतलब वो चादर उसके पास उससे अलग थी जो सतर को छुपाने के लिए काम आती है, तभी तो आया था, रब रहना तो आया नहीं था, वो ज्यादा थी। आपने कहा लेकर क्या होता, ले आए, ले शक लेकर के आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे एक दिरहम में खरीदता। आपने फरमाया, एक दिरहम से ज्यादा कौन देगा, एक दिरहम से ज्यादा कौन देगा? यहीं से उलमा ने लिया है कि बोली वाली खरीदो फरोख्त जायज है, उसमें अगर किसी की बोली पर कोई बढ़ाता है तो वो नाजायज। वैसे अगर कोई आदमी दुकान पे जाकर कोई चीज खरीद रहा है,
और वो 100 रियाल दे रहा है, और अभी दोनों में बात तय नहीं हुई है या बात तय होने के करीब है, तो आपके लिए नहीं, आप नहीं भाई मैं इसको 200 में लूंगा, जायज नहीं आपके लिए। अपने भाई की खरीदो फरोख पर खरीद करना यह नाजायज, लेकिन ऐसी चीज जहां पर बोली चल रही हो वहां पर यह चीज जायज है। कुछ देर के बाद एक सहाबी कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे 2 दिरहम में खरीद, आपने दे दिया 2 दिरहम, और 2 दिरहम लेकर के 1 दिरहम उस शख्स को 2 दिरहम दिया और कहा जाओ 1 दिरहम का गल्ला खरीदो और घर में खाने के लिए रखो, 1 दिरहम का गल्ला खरीदो और घर में जाकर के खाने के लिए रख दो, और 2 दिरहम की एक कुल्हाड़ी बाजार से लेकर के आओ। चुनांचे वो शख्स कुल्हाड़ी लेकर के आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसमें लकड़ी लगाई, बेत लगाया, और बेत लगाने के बाद उसे दिया, कहा कि जाओ 15 दिन तक मैं देखू नहीं, मुझे दिखाई नहीं देना, जाओ जंगल में जाओ लकड़ी काट करके ले आओ बेचो, और जो बनता है फिर हिसाब लगा करके जाओ और खरीद करके ले आओ, मैं दोबारा लकड़ी काट करके ले आओ। 15 दिन के बाद जब आप खिदमत में हाजिर होता है तो उसके पास साथियों 10 दिरहम जमा हो गए थे, कितना 10 दिरहम जमा हो गए। आप ने फरमाया कि ये उससे बेहतर नहीं है कि लोगों के सामने हाथ फैलाओ और जलील हो, तुम अपने को जलील करो, उससे बेहतर ये है कि आदमी अपने कंधे पर रस्सी और लकड़ी कुल्हाड़ी लेकर के जाए और जंगल से लकड़ियां खरीद करके ले आए और बेच करके अपनी रोजी चलाए। तो कहने का मतलब यह है साथियों, इस्लाम हमें और आपको अमल की दावत देता है, बल्कि सही बुखारी शरीफ में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर रोजी जो इंसान खा रहा है वो कौन सी रोजी है? अपने हाथ की कमाई, सबसे बेहतर रोजी। और आपने मिसाल बयान की कि अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से मेहनत करके खाया करते, अपने हाथ से जीरा बनाते थे, लोहे का काम, लोहार थे गोया, वो काम करते थे और अपने हाथ से खाया करते थे। इसीलिए आप देखेंगे शायद ही कोई नबी ऐसा गुजरा हो जिसने काम और मजदूरी ना की। एक बार सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नहीं मैदान में जा रहे थे, तो वहां पर कोई ऐसा फल होता था जंगली जो खाया जाता था। आप सुनिए छात्रनायक, देखो जो काला हो गया हो और पक गया हो उसे लेकर क्या, वो बड़ा लजीज होता है। साहबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ऐसा लगता है कि अभी बकरियां चराते रहे हैं, इसलिए कि ये चीजें बकरियां चराने वाले ही को मालूम रहा करती। आपने फरमाया, हां मैं मक्का की लोगों की बकरियां चंद टके करारीत पर चराया करता, और हमसे पहले जितने नबी गुजरे उन तमाम ने बकरियां, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बकरियां चराते रहे, है कि नहीं है? वो किस लिए, किस लिए बकरियां चराई? ताकि शादी हो जाए, है कि नहीं है? 10 साल बकरियां चराई तो उनको एक बीवी मिली है, बीवी इतनी कीमती जो है चीज है साथियों, है कि नहीं है? और हम चाहते हैं महर जितना सस्ता हम दे ले वही कामयाबी, नहीं, महर सस्ता हो लेकिन असर और वक्त के लिहाज से सस्ता। ये नहीं है कि आज भी बहुत से लोग 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 महर बांधा करते हैं। आजकल क्या अहमियत है 4,000, 5,000 रुपए जी, 511 रुपए, ये क्या चीज है? नहीं, ये चीज कताल मुनासिब नहीं, मैं नाजायज नहीं कहता लेकिन कताल मुनासिब नहीं है। हर जमाने का महर उस जमाने के वक्त के सिक्का के लिहाज से होना चाहिए। तो कहने का मतलब है साथियों, कोई ऐसा नबी है नहीं है जिसने बकरियां ना चराई हो और अपने हाथ से काम ना किया हो। खैर साथियों, ये मौजू बड़ा लंबा है कि इस्लाम ने अमल की क्या अहमियत दी है। मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो ये है कि हमसे अमल का तो मुतालबा है साथियों, लेकिन हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर हमारा मशरिकी माशरा जो है वो अमल में कोता है। अमूमी तौर मुसलमानों का माशरा, आज बहुत से लोग गैर मुस्लिमों से काम लेते हैं, मुसलमानों से काम क्यों नहीं? क्यों आज हम हिंदुस्तानी भाई एक गैर मुस्लिम की दुकान से सामान खरीदना पसंद करेंगे, मुसलमान दुकान से नहीं? क्यों? खाशा लिल्लाह, उसमें मुसलमान से दुश्मनी नहीं, मैं तजर्बे एक बार बता रहा हूं। आज बहुत से सऊदी एक गैर मुस्लिम को
अपने यहां काम के लिए पसंद करेंगे मुसलमान को नहीं, हम अपने दो बजाय उसकी जो तौजीह करें, हम उनको चाहे जो बुरा भला कहें। लेकिन साथियों असल सूरत हाल यह है कि काम के जो उसूल हैं दुनिया में कामयाबी और तरक्की के, हमने उसे छोड़ दिया। इस्लाम ने हालांकि हमें बताया और सिखाया, लेकिन हम उसमें पीछे क्यों हैं? आज देख रहे इसी दुनिया में रहने वाले बहुत से काफिर मुल्क हैं, वो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम मुल्क हैं वो नीचे ही आते पहुंचेगा। इसका मतलब है कि दुनिया हासिल करने के और दुनिया कमाने के जो उसूल होना चाहिए हमने उसे छोड़ा हुआ, हमसे उसमें कोताही हो रही है। हम इन्हीं उसूलों को अपना करके वो लोग कामयाब हैं और उन्हीं उसूलों को छोड़ करके हम पीछे हैं। वजह क्या है? हत्ता की दूर ना जाइए, साथियों मिसाल देता हूं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक इलाका है, आज देखने जिस शहर में चले जाएं आधे से ज्यादा मार्केटों पर उनका कब्जा है कि नहीं, और अपने कफील के साथ इख्तिलाफ का उनके यहां बहुत कम हिस्सा पाया जाएगा। उसके बरखिलाफ हमारा मशरिकी और शिमाली जो इलाका है, या हमारे पंजाब और दूसरे पाकिस्तान का जो इलाका है, यहां के लोग अपने कफीलों से भागते भी ज्यादा है कि नहीं, भागने वालों की, कफीलों को छोड़ करके भागने वाले, कफीलों से मशाकिल की, कफीलों से लड़ाई की ज्यादा केस मकसद में चले जाए दिखाई नहीं। उसके बरखिलाफ छोड़ दे, हमारे यहां जुनूब का जो एक इलाका है इंडिया में, उनके मशाकिल कफील से बहुत कम पाए जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह, मैंने कहा नहीं है, बहुत कम पाए जाते हैं। और उनमें से हमने एक नहीं दो नहीं कितनों को देखा है सऊदीया में फैमिली ड्राइवर के वीजे पर आए हैं आज से 20 साल 25 साल पहले, और आज उनकी दुकान उस शहर में लाखों की। उसके बरखिलाफ हमारे लोग उनके मुकाबले में क्या है? इसका मतलब साथियों कहीं खलल जरूर है हमारे यहां। अगर ये खलल होता काम करवाने वाले के अंदर, जाहिर बात जो कामयाब है उनसे उनकी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। इस दुनिया में किसी को किसी की नेशनलिटी, किसी की शहरियत, किसी का चांद प्यारा नहीं है, हर इंसान को उसका काम प्यारा। अल्लाह ताला ने दुनिया में तरक्की करने के लिए उसूल रखे हैं, जो इंसान जो कौम उस उसूल को अपनाती है वो कौम कामयाब होती है, और जो कौम उसूल को अपनाती नहीं वो कौम कामयाब नहीं होती। तो हमें ये देखना चाहिए कि साथियों आखिर बहैसियत मुसलमान के अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में काम करने के वो काम साथियों देखे, चाहे ज़िराअत का है, वो काम चाहे तबाबत का है, वो काम चाहे तिजारत का है, वो काम चाहे ऑफिस में बैठने ही का क्यों नहीं, वो चाहे जिस मैदान का काम हो, उस मैदान में कामयाब होने के लिए या वो काम करने के लिए इस्लाम ने कुछ उसूल रखे हैं, जिन उसूल को अपनाना। और ये मौजू साथियों बड़ा लंबा है, कल शाम को हमने आजमाया कि अगर इस पर मुख्तसर तौर बयान होता रहे तो कम से कम दो तीन दर्श की जरूरत है, लेकिन चूंकि हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं, लिहाजा इख्तिसार के साथ टू दी पॉइंट में चंद इशारे करते चलूंगा। साथियों पहली चीज, पहला उसूल जिसे हर मुसलमान को अपनाना चाहिए वो क्या है? नीयत उसकी दुरुस्त, उसकी नीयत क्या हो। कोई भी आमिल कहीं भी काम कर रहा है तिजारत के मैदान में, वो काम कर रहा है बिल्डिंग लाइन में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ऑफिस में बैठा हुआ है काम कर रहा है, वो काम कर रहा है किसी और मैदान में है, उसे अपनी नीयत दुरुस्त करनी चाहिए। नीयत के दुरुस्त होने का माना क्या है साथियों? पहली चीज ये है कि वो हलाल कमाई की नीयत रखे, हराम कमाई की नीयत नहीं रखे। दूसरी चीज ये है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह ने हमें रोजी हासिल करने के लिए कहा है, कुछ हमारे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे ऊपर रखी। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि हम अगर किसी को भी अपने अहल आयाल को अगर खिलाते हैं, जरा सोचेंगे, एक कपड़ा पहनाते हैं, तो इस्लाम ने तो यहां तक रखा है कि जो लुकमा इंसान
अपनी बीवी के मुंह में डालता है, अल्लाह ताला उस पर भी उसको। साथियों, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि हमारा जी काम में लगेगा, हमारा जी काम में लगेगा, और हम उस काम को अच्छे और बेहतरीन अंदाज में करना चाहेंगे। हम उस काम को अपने ऊपर जितना हमारे ऊपर फर्ज है उससे ज्यादा करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर साथियों, एक टीचर उस्ताद वो ये बना ले कि मैं ये सोच ले कि मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं, इसे हम मुआशरे का, अपनी कौम का, अपनी जमात का एक बेहतरीन फर्द बनाना मैं चाहता हूं, ताकि ये बच्चा हमारी कौम के लिए मुफीद साबित हो, हमारी कौम के लिए फायदेमंद साबित हो। अगर डॉक्टर बने तो हमारी कौम में बहुत से लोग मजबूर भी होंगे, हो सकता है अगर उनका इलाज वो सस्ते में कर दिया या मुफ्त में कर दिया तो उसका अज्र जहां उसको मिलेगा वहां हमें भी मिलने वाला। अगर हम उसे इंजीनियर बना रहे हैं, अगर वो किसी मस्जिद की प्लानिंग करता है, किसी नेक आदमी का घर बनाता है, तो उस मस्जिद में जब तक अल्लाह ताला का जिक्र होता रहेगा उसका अज्र और सवाब हमें भी मिलता रहेगा। उस घर में जो नेक आदमी का घर होगा, उस घर में जब उसके छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उस घर के साए में जब आराम हासिल करेंगे तो उसका अल्लाह ताला हमें भी देगा। एक बिजली बनाने, बिजली का काम करने वाला है, एक घर में जाता है एसी लगाने के लिए, वो ये सोचे कि मैं एसी लगा रहा हूं, हमें इसके बदले पैसा तो ले रहा ही, लेकिन इंसान अपनी नीयत दुरुस्त कर ले कि जब तक छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें इस एसी की हवा में बैठेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी, तो उनको जो आराम मिलेगा उसका आज हमें भी मिलने वाला। साथियों, ये है जिसे हमें तालीम दे रहा है और इसको हम छोड़े हुए। हम ये समझते हैं कि हमें सिर्फ जबरदस्ती काम करना है, बस हमें ड्यूटी देना है बस। साथियों, ड्यूटी बनाए, ड्यूटी के इस्लाम फाइल नहीं। इसलिए जब आप ये सोचेंगे तो अगर कोई निगरानी करने वाला होगा तो आप काम बड़ी अच्छी तरह से करेंगे, और अगर निगरानी है तो काम अच्छी तरह से, और आप उतना ही काम करना चाहेंगे जितना आपके ऊपर फर्ज होगा, जितने के लिए मजबूर होंगे आप। तो इंसान सबसे अहम यह है कि इंसान क्या करे साथियों, अपनी नीयत को दुरुस्त रखे और इसको सोचे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाता है, जो हमारे भाई यहां किसी मदरे में काम कर रहे हो, जरा सोचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान कोई दरख्त लगाता है, कोई दरख्त लगाता है, उस दरख्त से कोई चिड़िया, कोई इंसान, कोई जानवर जो भी फायदा हासिल करता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमल उसका अजर लिखता जाए। ये मेरा कहना नहीं साथी, किसका कहना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सोचे आप, अगर इंसान ये सोच लेगा तो उसे दरख्त लगाने में क्या होगा, ख्वाहिश पैदा होगी? अगर एक का मुतालबा है दो लगाना चाहेगा वो, है ना, सही कि नहीं सही? दो का मुतालबा है तीन लगाना चाहेगा, क्यों? इसलिए कि वो ये चाहेगा कि उसके नामाए आमाल में ज्यादा से ज्यादा अजर लिखा जाए। मा मिन मुस्लिमिन यज़रिसु ग़रसा, कोई भी मुसलमान जब कोई दरख्त लगाता है, और यज़रिउ यज़रिउ ज़रअ, या कोई खेती करता है, फयाकुलु मिन्हु तैरुन और इंसानुन और बहीमतुन इल्ला काना लहू सदका, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या कोई बीज उगाता है, उस दरख्त से कोई चिड़िया खाती है, कोई इंसान खाता है या कोई जानवर खाता है, तो हर चिड़िए, हर इंसान और हर जानवर के बदले उसके नामे आमाल में एक एक सदका लिखा जाए। जरा सोचें साथियों, आप छोड़ दें, आप छोड़े इसको, एक हमने आजमाया है साथियों, एक पालक आप लगा बीज डाल, एक पालक का बीज डालें आप, आया उससे चिड़िया चुगेगी नहीं चुगेगी? एक पालक के बीज से अगर 10 चिड़ियों ने चुगा है साथियों, तो आपको 10 बार सदका करने का सवाब मिला। साथियों, यह मौजू बड़ा लंबा है, उसको तूल नहीं देना चाहता। तो कहने का मतलब है कि इंसान क्या करे, अपनी नीयत को दुरुस्त करे। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अपनी किताब तबरानी सौसत में
तबरानी सगीर में, तबरानी कबीर तीनों किताबों में हजरत अक्का इब्ने उजरा से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे, उधर से एक शख्स का गुजर होता है जो निहायत ही तंदुरुस्त तमाशा और बड़ा नशीद था। ये दोनों चीजें किसी इंसान के अंदर जमा हो जाएं तो काम कैसा अच्छा करेगा। एक ताकत भी उसके पास हो और काम करने में बड़ा चुस्त और तेज भी हो इंसान। इसलिए एक बसा औकात एक इंसान बड़ा तेज होता है काम करने में लेकिन कमजोर जिस्म का होता है, थोड़ी देर काम किया और थक करके बैठ जाता है। एक आदमी बड़ा तंदुरुस्त रहता है लेकिन काम करने में बड़ा काहिल है, उसका जी नहीं कहता काम करने के लिए। जबकि ये दोनों सिफतें उसके अंदर जमा थी, वो तंदुरुस्त भी था माशाल्लाह और बड़ा ही चुस्त और तेज भी था। सहाबे कराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश के इस ये ताकत और इसकी ये तेजी जो है अल्लाह के रास्ते में। आप सब ने फरमाया कि खामोश रहो, इसलिए कि आप लोगों के बारे में बदतर होने का दर्द नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने निकला है ताकि अपने बच्चों का पेट पाले तो ये भी अल्लाह के रास्ते में, अगर उसके दूढ़े जो तो बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए रोजी के तलाश में निकला है तो ये भी अल्लाह के रास्ते में है। अगर कोई आदमी इसलिए रोजी हासिल कर रहा है ताकि अपना हाथ दूसरों के सामने ना फैलाए ये भी अल्लाह के रास्ते में है। लेकिन अगर कोई इंसान रिया और फख्र के तौर पर कमाता है कि हाँ हम कमाएं ताकि खूब अच्छी गाड़ी ले लें, हम कमाएं ताकि खूब अच्छा मकान बना लें, हम कमाएं ताकि हम भी लोगों के तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहने, हमें लोग कहें कि इसके पास भी देखो इतना माल है, तो ये शैतान के नाम। तो गोया कहने का मतलब पहली चीज इंसानों क्या करना चाहिए साथियों, अपनी नीयत को, कोई भी काम करने वाले। और आज साथियों बुरा ना माने, हम चाहे दुआत, हम चाहे टीचर्स और प्रोफेसर हजरात, हम चाहे उम्माल हों, उनके अंदर से ये चीज, हम तकरीर करने शौक से वहीं जाएंगे जहां हमें ज्यादा हमारी अहोभगत हो, है कि नहीं, हमें जहां होटल में ठहराया जाए। हमारे उस्ताद और टीचर लोग क्या पहले हमने अपने बचपन में देखा है, उस्ताद अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर रहा करता था तो उस्ताद शाम को उसे अपने घर बुलाते थे और उसको सिखाते, उसे कुछ पैसा नहीं लेते। और आज तो बगैर ट्यूशन पढ़े कोई बच्चा कामयाबी नहीं होता, बस एक नहीं सकता। और स्कूल और कॉलेज के टाइम में लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं कि नहीं, ये दुनियादारी देखिए आगे हमारे अंदर कैसे रुखसत हो गई। और हम ये समझते हैं कि हम एक नौकर, हमारी ड्यूटी है, हम एक घंटे चार घंटे पांच घंटे 45 मिनट एक घंटे का हमारा पीरियड है, हमने लिया चाहे तुम समझो या ना समझो, हमने इससे काम, ये फिक्र हमारे अंदर पैदा हो गई। यही लेबर का मामला, हर चीज का मामला है। तो साथियों जरूरत है बहैसियत मुसलमान के हम अपनी नीयत को दुरुस्त करें। दूसरी चीज है साथ कि इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह भोर ही से और शाम ही से काम में लग जाने की बड़ी फजीलत बयान है। आज का अजीब मसला, लोग फजर के बाद सोना क्या है एक जिंदगी का जरूरी हिस्सा समझते है कि नहीं, ये अलग मसला है। उन लोगों की बात है जो फजर की नमाज पढ़ते हैं और जो पढ़ते ही नहीं फजर की नमाज, 8 बजे 7:30 बजे है कि नहीं उठ करके जा रहे हैं, जैसे उनकी ड्यूटी रहा करती है, अगर 8 है तो 7:30 बजे 8:15 बजे उठेंगे है कि नहीं, अगर 7 बजे ड्यूटी है तो 7:15 बजे उठेंगे है कि नहीं। उनके लिहाज से ये उनकी बात नहीं, लेकिन जो लोग फजर पढ़ते हैं उनकी भी जिंदगी का फजर के बाद सोना एक बड़ा हिस्सा बन गया। देखिए कभी कभार मजबूरी होती है, दिन में मौका नहीं मिलता, अलग मसला है, लेकिन एक रूटीन बना लेना है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन अबू दाऊद में है, अल्लाहुम्म बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह ताला मेरी उम्मत के वो लोग जो सुबह सवेरे काम में लग जाते हैं उनके काम में बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्म बारिक लि उम्मती, सख्र इब्न मदआ एक सहाबी हैं, वो इस हदीस के रावी हैं, उनका गुलाम कहता है कि ये इन्होंने अपनी आदत बना ली कि अगर तिजारत के लिए किसी को भेजना है तो सुबह ही भेजना, अगर ज़राअत किसी काम के लिए भेजना है सुबह ही भेजना है,
तो अल्लाह ताला ने इस हदीस पर अमल की बरकत से उनके माल में बड़ी बरकत था। और उसी से मिलती जुलती सूरत एक है साथियों कि हम आज का काम कल पर ना डालें, जो काम आज करना है वो काम आज कर, जितना जल्दी हम काम निपटाएंगे उतने हम कामयाब। आज हमारे बहुत से काम पेंडिंग में क्यों रह जाते हैं, चाहे हमारा जाती काम हो, चाहे हमारा जिस जहां मजदूरी कर रहे वहां का काम, बहुत से काम पेंडिंग में क्यों रह जाता है, इसलिए कि हम कहते हैं चलो भाई ये काम थोड़ा है हम उसको कल कर लेंगे परसों कर। नतीजा क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि सारा का सारा काम पड़ा। हमें यह सोचना चाहिए कि ये काम आज का है, इसे आज करना है, कल के लिए कोई दूसरा काम है। हम अभी सोच रहे हैं कि कल कोई काम नहीं है। साथियों मैं बताऊं, बहुत सी चीजें हैं, मैं उसे सोचता हूं कि चलो इतना काम बाकी रह गया दर्स में लिखने का, जुमेरात को असर के बाद लिखूंगा। और कोई मेहमान आ जाता, मैं अपने ऊपर बताऊं, कोई मेहमान आ गया, कोई और काम पड़ गया जाने के लिए, नतीजा क्या होता है वो चीज वही आधे में रह जाए। तो जो काम इंसान को जब करना है, जब मौका मिले फौरन कर लेना चाहिए, वरना वही हाल होगा। सुना है ना आप लोगों ने खरगोश और कछुए का किस्सा, और कौवे और किसका, तू चल मैं आता हूं चुपड़ी रोटी, है ना, सुना है ना, वही ये किस्से झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बनावटी है, लेकिन बच्चों के जहन में यही चीज डालने के लिए ताकि वो अपना काम वक्त पर करे, सुस्ती न दिखाए। जो तीसरी चीज, दूसरी चीज है साथ, तीसरा अदब जो हमें शरीयत ने दिया है वो ये है, काम को अच्छी तरीके से किया जाए। जरा गौर करिए, काम को ये नहीं है कि ये हमारा काम है तो हम इसको खूब अच्छी तरीके से, और हम ये मजदूरी कर रहे हैं तो इस काम को अच्छी तरीके से ना करें, नहीं। कोई भी काम है, हमसे मुतालबा है शरई तौर पर साथियों, कानून की बात छोड़ दे, मैंने कहता कानून की बात, इसलिए कि यह दर्श कानूनी नहीं है, यह दर्श शराई है। शराई तौर पर हमसे मुतालबा है कि हम कोई भी काम करें तो हमसे जितना हमें वक्त दिया गया है, जितना उस दरमियान में अच्छे से अच्छा हो सकता है, हमें जो सलाहियत है उस सलाहियत में अच्छे से अच्छा जो हो सकता है मौका मिले। साथियों मैं बताऊं, इंसान की जिंदगी में चाहे वो टीचर चाहे वो आमिल, उसकी जिंदगी में कामयाबी के बड़े उसूल। और मैं साथियों तजर्बे की बात बताऊं, कहीं भी मैं गया, किसी भी मदरसे में, किसी जगह, मुझे वहां इज्जत, अल्लाह की कसम उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूं कि उस काम को हमने अपना जाती काम समझा है, हमने मजदूरी नहीं समझा, मजदूरी नहीं समझा। तो कहने का मतलब है कि जो काम है आप उस काम को आप अपना काम समझ करके कीजिए, जितना अच्छा आपसे हो सकता उतना अच्छा करके दीजिए। ये नहीं है कि अगर आपके ऊपर मुसल्लत है आदमी तो आप खूब मेहनत से कीजिए, खूब अच्छा कीजिए, और गायब हुआ तो रेत के बजाय सीमेंट में मिट्टी मिला करके लगा दीजिए, ऐसा होता ही नहीं होता साथियों। ये कतान इस्लाम के खिलाफ है। सही मुस्लिम शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अतः शद्दाद इब्न औस बयान करते हैं कि इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शय, अल्लाह ताला ने हर चीज के बारे में एहसान को वाजिब किया। जरा सोचेंगे किसका फरमान है, कोई कानून की बात नहीं करता मैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्नल्लाह कतबल एहसान, अल्लाह ताला ने एहसान को हर चीज पर वाजिब किया है। एहसान है क्या? उलमा कहते हैं एहसान के माने में दो चीजें था, एक चीज तो यह है कि किसी भी काम को इंसान मेहनत और ख्वाहिश और रगबत से दिल लगा करके करे, उसको यह नहीं है कि उसको नौकरी और ड्यूटी समझ करके, ये समझेंगे तो आप नौकर ही ड्यूटी रहेंगे, ड्यूटी रहेंगे हमेशा हमेशा कामयाब नहीं होंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते, जिंदगी भर नौकर रह जाएंगे। इन्नल्लाह कतबल एहसान, अल्लाह ने एहसान को हर चीज के ऊपर फर्ज किया है, यानी किसी भी काम को करे तो क्या करे, रगबत से करे, दिल लगा कर।
खुशी से करें, यह नहीं कि मजबूर होकर के करें। इसलिए कि जब मजबूर होकर के करेगा तो काम में गड़बड़ी होगी, लेकिन दिल लगाकर करेगा तो अपना समझ करके करेगा। और दूसरी चीज उसके माना में क्या है, काम को मुकम्मल और पूरा करे, अधूरा ना छोड़े। काम को मुकम्मल करे और अधूरा ना छोड़े, यानी उस काम को कोई चीज बना करके दे रहा है, मिसाल के तौर पर कोई चीज बना रहा है, चाहे मकान की हैसियत से, खेत में काम करने की हैसियत से, किसी और हैसियत से है, उस्ताद की हैसियत से है, दाई की हैसियत, किसी भी हैसियत से है, तो जो काम उसके ऊपर है उसको पूरा कर, उसका जो हक अदा कर। आगे बात आएगी, अगर उसका हक नहीं अदा कर सकता तो शरई तौर पर वो काम करने का मजाल रहता ही नहीं, नाजायज कर। अगर जिस काम के ऊपर उसे रखा जा रहा है, आगे आएगी ये बात वक्त रहा तो, अगर वो काम सही तौर पर नहीं जानता तो वो काम कबूल करना उसके लिए जायज है। ला अगर उसका अहल ना हो तो ना अहल। इसलिए कि दुनिया में सिर्फ एक चीज देखते हैं, क्या डिग्री देखते हैं, है कि नहीं। और इस्लाम सिर्फ डिग्री नहीं देखता, डिग्री के साथ सलाहियत भी देखता कि आया। इसलिए होता बड़ी डिग्री हो लेकिन सलाहियत ना हो, एक आदमी का सलाहियत हो लेकिन डिग्री, तो असल चीज क्या है, सलाहियत है, असल चीज डिग्री नहीं है। डिग्री तो एक बहाना है, एक सीढ़ी है साथ में, असल काम नहीं। तो अर्ज करने का मकसद दूसरी चीज यह है कि इंसान क्या करे, काम एहसान में था, काम इंसान मुकम्मल करे और पूरा करे। इसकी अहमियत बताऊं साथियों, किस कदर अहमियत है, एक हदीस जरा सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को यह चीज पसंद है, महबूब है कि इंसान जो काम भी करे उसको बड़ी अच्छी तरीके से और उमदा अंदाज। जरा आप सोचें, इसीलिए हमने कहा इंसान नीयत दुरुस्त करे, सिर्फ सामने वाले को ना देखे बल्कि अल्लाह को भी देखे। अगर कोई इंसान कोई काम पूरा करता है, अच्छी तरीके से अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को यह बंदा महबूब है। इमाम बैहकी रहमहुल्लाह की शुअबुल ईमान में एक सहाबी हैं, कुलैब आसिफ इब्ने कुलैब, नहीं ताबई है, आसिफ इब्ने कुलैब इब्ने शहाब। वो कहते हैं कि मेरे बाप कुलैब इब्ने शहाब ने बयान किया कि मैं अपने बाप यानी शहाब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और उस वक्त मेरी उम्र इतनी थी कि मैं सब कुछ समझता था। यानी कोई यह ना कहे कि हमने आपकी बात को समझा नहीं, नहीं, मैं समझता था। कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हम और हमारे वालिद उस वक्त पहुंचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ ले जाते, तो हम भी आपके साथ जनाजे में बोली। हम जब कब्रस्तान पहुंचे तो कब्र अभी तैयार नहीं, अभी खबर तैयार नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के ऊपर खड़े हुए और जो कब्र खोद रहे थे उनसे कहा जरा इधर थोड़ा बराबर करो, इधर की मिट्टी हटाओ, इधर जरा सीधा कर दो, इधर। लोगों ने कहा कि हमने ये समझा गोया ये भी एक सुन्नत है कि गोया आप मीटर से लेकर के इंची टेप लेकर के, है ना, और वो मेसन लोग कौन सा लेते हैं बराबर करने के लिए, जी लेवल करने के लिए, वो लेकर के सब करना पड़ेगा। इसीलिए कि आप कहते हैं हाँ इधर से बराबर करो, इधर से मिट्टी निकालो, इधर से कम करो। अजी फिर आखिर में आश्रम क्या बयान फरमाया, सर ये जरा गौर करेंगे, आपने क्या बयान फरमाया। कहा कि लोगों ये देखो, इससे मैयत का कोई फायदा नहीं, खबर जैसी रहेगी मैयत के लिए एक ही, सीधी रहे या टेढ़ी रहे, इससे मैयत का कोई फायदा नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को यह चीज पसंद है कि बंदा कोई काम करे तो उसको अच्छी तरीके से करे। कोई भी काम बंदा करे तो अल्लाह को यह पसंद है, कैसा करे वो अच्छी तरीके से करे। ये उसूल साथियों आप अपनाएं, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको मुकम्मल और पूरा करने की कोशिश करें। चौथा उसूल यह है, चौथा अदब यह है काम करने का। अगर हमारे भाई में से किसी को बुरा लगे तो मैं माजरा चाहूंगा, इसलिए कि हमारा अजीब मामला, किसी काम पर हमें कोई टोक देता तो मैं गुस्सा आ जाता, ऐसा होता कि नहीं होता। काम अगर थोड़ा सा टेढ़ा ही हो, गलत हो, कुछ भी हो, हमें गुस्सा आता है ना, ये काम के अदब के खिलाफ। इसीलिए देखें किसी मैदान में है वो आमिल, हत्ता कि वो दाई,
उसके ऊपर लोग एतराज भी क्यों नहीं करें, वो गुस्सा नहीं होता। वो डॉक्टर उस पर लोग मरीज उसको गाली भी दे लेकिन वो गुस्सा नहीं होता। वो टीचर बच्चा उसे छोड़ करके भाग भी जाता है लेकिन वो कोशिश करता उसे बुलाने की भी, उसे गुस्सा नहीं होता है कि नहीं। तो ये बड़ी अहम चीज है कि इंसान आमिल जो काम कर रहा है उसमें तवादो से काम ले और किब्र ना करे, तवादो से काम ले और किब्र ना करे। ये सोचे मिसाल के तौर पर जो हमसे काम ले रहा है उसका हक है कि हमसे काम ले, उसका हक है हमारे काम पर एतराज करे, उसे हक बनते से मुझे पैसा दे रहा है तो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कराएगा है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम ड्यूटी पर जा रहे हैं 5 मिनट लेट हैं, उसे हक बनता है कि वो एतराज करे हमारे पर, ड्यूटी छोड़ करके हम निकले उसे हक बनता है कि वो एतराज करे, हमें गुस्सा क्यों आता है। तो किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए इस्लाम ने एक उसूल यह भी रखा है कि इंसान क्या करे, तवादो से काम ले। इसी तरीके से तवादो में एक चीज यह भी दाखिल है कि यह नहीं, ये मेरा काम नहीं, बहुत से लोग होता है ना, अरे जरा ये मेरा काम नहीं होता ही नहीं होता ये नहीं। बल्कि अपने साथियों को कोई बात नहीं ठीक है हमारे साथी, लेकिन नहीं मैं ये काम कर दे रहा हूं, ये नहीं कि मैं इसकी मदद कर दे रहा हूं, तो कोई साथी ये काम कर, आप उसकी मदद कर दी, अपना काम खत्म कर चुके, हाथ पांव धोकर बैठ क्यों गए आप, आपको वहां बैठने से कुछ मिल जाएगा लेकिन आपकी इज्जत में इजाफा होगा अगर आप अपनी साथी की मदद करने लगेंगे, फिर सही कि नहीं सही। तो कहने का मतलब यह है इंसान को क्या होना चाहिए, तवाज़ो से किब्र से काम नहीं लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें जो सही मुस्लिम शरीफ, आपने बयान फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र है वो जन्नत में नहीं जाएगा, है कि नहीं, सुना है ना हदीस को। लेकिन किब्र क्या है साहब, किब्र क्या है, आपने क्या बयान किया। सहाबा ने कहा अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो चाहते हैं कि हमारा कपड़ा अच्छा रहे, हमारा जूता अच्छा रहे, हमारा ये अच्छा रहे। आपने फरमाया ये किब्र नहीं है, किब्र दो चीजें हैं साथियों, जरा गौर करेंगे उसे फिट करें अपनी जिंदगी को। वलाकिनल किब्र बतलु बतलुल हक व गमतुन नास, किब्र असल ये है कि हक का इनकार किया, हक का इनकार किया जाए, और दूसरी चीज क्या है, गमतुन नास लोगों को अपने से हकीर समझा, अपने को इससे ऊपर समझा जाए कि हमारे ऊपर कोई एतराज करे, अपने को इससे बड़ा समझा जाए कोई हमारे हमारे ऊपर हुक्म चलाए, ये क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जिंदगी देखिएगा अपने साथियों के साथ आपका तवाज़ो कितना था। ग़ज़वे बद्र के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे थे, आप लोगों को मालूम है कि सवारी की कमी थी, सीरत पर जो दर्स हुआ था आप लोगों ने सुना भी होगा, सवारी की कमी थी, एक एक सवारी पर दो दो और तीन तीन सहाबी बैठा था, है ना, घोड़े सिर्फ 3 थे पूरे फौज के अंदर और 70 के करीब तकरीबन ऊंट थे, 70 के करीब ऊंट थे लोग, दो दो तीन तीन आदमी एक ऊंट, खुद नबी करीम सब अल्लाह के नबी हैं साथियों, आपसे बड़ा कोई होगा, अल्लाह के नबी, आपने भी अपना उतना ही मकाम रखा था जितना तमाम दूसरे फौजी, एक ऊंट पर आपने साथ दो आदमी को और लिए हुए थे, 3 आदमी थे हजरत अबू लोबाबा और रास्ते में अबू मरसद, मरसद मरसद गनवी को लिया था, और हजरत अली और तीसरे आप। हजरत अली बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती पैदल चलने के लिए तो हम लोग क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सवार रहिए हम लोग चल लेंगे, आप क्या फरमाते कि नहीं, ना तो तुम हमसे ज्यादा पैदल चलने में ताकतवर हो जैसे तुम चलो हम भी चल लेंगे, और ना तुम्हें हमसे ज्यादा अजर चाहिए, हमें भी अजर अल्लाह के यहां चाहिए। ये देखिए साथियों के साथ तआवुन कि अपनापन नहीं है। तो अर्ज करने का मकसद है साथियों, चौथी चीज यह है कि इंसान क्या करे, तआवुन, और पांचवी चीज, पांचवी चीज, अब जिगर थाम के बैठा मेरी, बैठो मेरी बारी है। पांचवी चीज क्या है, अमानतदारी। पांचवी चीज क्या है, किसी भी काम में अमानतदारी को अल्लाह ताला ने अमानतदारी का हुक्म दिया,
या अय्युहल्लज़ीन आमन इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानत को साहब अमानत के सुपुर्द करो। आप सुनते हैं कि हर खुतबे के अंदर आप फरमाया करते थे कि अहमद रवायत है, ला ईमान लमन ला अमानत, जो अमानत से काम लेता उसका ईमान, और जो अहद का पास लोग लिहाज नहीं करता वो उसका कोई दीन। इसीलिए आप सब बड़े वादे तौर फरमाया कि मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे हम में से है कि नहीं। लेकिन साथियों यहां अमानत से, अमानत का बड़ा महदूद मफहूम लेते हैं। अमानत का मफहूम क्या है जरा देखेंगे, अमानत में क्या क्या चीजें दाखिल है। अमानत काम के मैदान में, अमानत के अंदर यह भी दाखिल है कि इंसान काम के वक्त का लिहाज रखे और जो काम वहां उसके सुपुर्द है उसे अंजाम दे बिला माकूल उज्र के, काम की जगह से गायब ना, और ना ही किसी बेकार की बातचीत में मशगूल होकर के काम में कोताही। ये नहीं कि काम का वक्त है बैठ करके बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं ना काम कर रहे हैं, जब तक फोरमैन है काम कर रहे हैं, लेकिन जब फोरमैन हटा तो क्या ये अमानत के खिलाफ। वो वक्त किसका है? आपका नहीं है। वो वक्त किसका है जो आपको मजदूरी पर रखा है, चाहे टीचर की हैसियत से, चाहे प्रोफेसर की हैसियत से, साथियों चाहे वजीर आजम की हैसियत से, क्यों वजीर आजम की हैसियत वही क्यों नहीं है? वो वक्त उसका नहीं किसका? आम लोगों का। ऐसे जो हमें मजदूर रखा हुआ है, इतनी देर की मजदूरी है, वो मेरा हक नहीं, किसका हक है? वो वक्त किसका है? उसका है, हमारा वक्त नहीं। तो कहने वक्त का पासो लिहाज रखना और जो काम आ उसके सुपुर्द उसको किया जाए। दूसरी चीज धोखादेही की तमाम सूरतों से परहेज करें। ये अमानत में आजकल आप जाइए टमाटर लेने के लिए तो ऊपर कितना खूबसूरत, खूब सेब लेने के लिए कितना खूबसूरत रहेगा, और नीचे क्या है, छोटे छोटे सड़े हुए रखे। ये भी क्या अमानत के खिलाफ, ये भी अमानत के खिलाफ है। कोई भी चीज आप लेने जाइए तो क्या लिखा, बेस्ट क्वालिटी, क्या लिखा है, लेकिन रहती क्या चीज है, बिल्कुल थर्ड क्लास की, थर्ड क्वालिटी रहा है कि नहीं। तो ये भी चीज अमानत के खिलाफ है। इस्लाम कतान इसके जात नहीं देता। आप लोग बार बार वो हदीस सुने होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाजार में गए तो क्या देखा कि एक साहब गेहूं बेच रहे हैं, गल्ला बेच रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए पता चला कि कुछ यहां धोखा। आपने नीचे हाथ डाला तो क्या देखते हैं कि नीचे गल्ला भीगा हुआ। और जानते हैं साथियों, आप लोग शायद ना लगे, हम लोग देहाती हैं, भीगे खासकर बरसात के मौसम में सूखे गल्ले की कितनी अहमियत हुआ करती, सूखे गल्ले की बड़ी अहमियत होती है। भीगे गल्ला इसलिए कि ना तो पिसाता है वो, है कि नहीं, ना तो किसी काम आता है, और खराब होने के ज्यादा उसके डर रहा करता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अंदर डाल दाखिल किया और देखा था गल्ला किया था, कहा कि मा हज़ा या साहिब अत्ताम, ऐ बेचने वाले, गल्ले के बेचने वाले, ये क्या है? कहा ऐ अल्लाह के रसूल, रात को बारिश हो गई तो गीला हो गया, तो आपने फरमाया इसे ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देखें। मुस्लिम अहमद की बात रवायत में है, आपने कहा कि तुम्हें इसको सूखे को अलग रख करके बेचना चाहिए और गीले को अलग रख कर बेचना ताकि देखने वाले क्या है, देखने क्या अच्छा है। तो कहने का मतलब धोखा देही की तमाम सूरतों से क्या है, परहेज किया जाए। और इस पर भी गौर करेंगे, ये चीज भी अमानत के खिलाफ है कि उस वक्त और उस जगह अपने शख्सी वफा और अपने दोस्तों और साथियों के मफाद को आगे ना रखें। वहां पर शख्सी मफाद की गुंजाइश नहीं, क्यों? इसलिए कि वो मिसाल तो एक दुकानदार है कि नहीं। वहां पर अगर आदमी अपने चीजें ले आकर के बेच रहा है, आया दुकानदार ने इजाजत दी है कि नहीं, साहब दुकान ने इजाजत दी कि नहीं दी? अगर नहीं दी है तो आपको यह इख्तियार नहीं किस जगह को और इस वक्त को आपने शख्सी वफाद के लिए इस्तेमाल किया। आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको यह जायज नहीं कि आपका कोई दोस्त आता है तो यह काम छोड़ करके उसका काम करना शुरू करे, इल्ला एक साहब अमल तरफ से इसकी इजाजत हो।
अमानतदारी की बड़ी अहमियत है, और यही अमानतदारी है साथियों, कितना भारी काम है ये कि आसमान और जमीन उसके उठाने से आजीज आ गए, है कि नहीं। إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا। उसने इस अमानत को उठा करके गोया अपने ऊपर जुल्म किया है और इस अमानत की हकीकत से वाकिफ नहीं था, इसलिए उसने उसको, है कि नहीं। एक शख्स ने आपको अपने काम पर रखा है, वो ड्यूटी उसकी है, जाहिर बात अपने साथियों अपने दोस्तों का काम करने लगेंगे तो क्या होगा, उसमें कोताही होगी नहीं होगी, उसमें कमी होगी नहीं कमी होगी, है कि नहीं। खुद आप सोचे, अगर आप उसकी जगह होते, मालिक की जगह, तो दूसरों को काम करने देते नहीं करने देते। तो कहने का मतलब उस वक्त और जगह को अपने शख्सी मफा, अपने जाती फायदे और अपने दोस्तों और साथियों के मफाद के लिए उसे इस्तेमाल नहीं हो। किसके लिए इस्तेमाल हो, सारा सारा किसका है, वो वहां जो चीज आप बेचें, जो काम भी उस वक्त में करें, वो सारा किसका होना चाहिए, मालिक का है। इसीलिए तो उलमा कहते हैं ना कि आप तो अगर कोई आदमी वहां पर बैठे हैं, कोई आदमी सौदा लेकर के आता है, बेचता है, आपने 1000 का सामान खरीदा, उसने 1000 के सामान के बाद आपको कोई चीज गिफ्ट दी, तो ये किसका होगा, ये किसका होगा, आपका नहीं है, जिसकी दुकान पर बैठे उसका है। क्यों, इसलिए कि आप घर में बैठे होते, आपको हदिया देता तो मैं जानता, ये मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा हूं साथी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सदका वसूल करने के लिए इब्ने लुतैबिया को भेजा, और जब सदका लेकर के आए तो कहे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बैतुल माल का है और ये मेरा है, लोगों ने मुझे सदका दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर पर खड़े हुए और कहा, जिसको किसी काम के लिए मैं भेजू, उसको जो कुछ मिले थोड़ा ज्यादा सब ला करके हाजिर करें, सब ला करके हाजिर करें। इसलिए कि अगर उसे हदिया देता, अपने मां और खाला के घर में बैठा होता, उसे कोई हदिया लाकर देता तो मैं देता, मैं जानता कि हाँ उसे हदिया दिया। तो यह शरई वसूल है साथियों कि उस वक्त और जगह को अपने शख्सी मफाद के लिए इस्तेमाल। यह बात इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से सवालात ऐसे आते हैं कि मैं फला दुकान से पेंट का है और ये है वो है सामान लेता हूं, वो हमें इतना कमीशन देता है, किसका होना चाहिए, कमीशन आपका नहीं है। इसलिए कि आप गोया कि मंदूब हैं, एजेंट हैं इस कंपनी के, आप अपने काम से नहीं, आप अपने लिए सामान लेने जाएं, कंपनी के जरिए ना जाएं, अपने सामान ले, अगर आप दे तो आप हदिया, लेकिन किस तरीके से आपको दे, इसी तरीके से उस वक्त और जगह को अपने शख्सी मफाद, इसी में यह भी दाखिल, उस वक्त गैर शरई कमाई के लिए सबब ना बनाया, उस जगह को गैर शरई कमाई के लिए सबब, यानी दुकान आपको मिली है, वक्त आपको मिला, आप कफील के साथ साथ अपना सामान भी, सेठ के साथ अपना सामान भी रखें, आपका सामान भी बेच रहे, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये जायज है। क्यों, इल्ला है कि वो सेठ जो है आपका। इसलिए साथियों मैं एक बार दिल्ली में, इस बात ये कह रहा हूं, एक बार दिल्ली में एग्जीबिशन लगा था, मैं वहां पर गया तो एक कंपनी का कोई शोरूम था, उसमें उसके साथ साथ एक साहब थे, अलग से भी थोड़ी चीज किनारे रखी हुई थी, हम लोग गए तो इसको भी दिखाने लगे कि हाँ ये भी है, क्या आपकी कंपनी का है, नहीं ये एक दूसरी कंपनी वालों ने ला करके रखा है उसको, यानी इसके बदले उनको क्या मिलता, अपनी कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनी, क्या जिस कंपनी के आप नौकर हैं उसने आपको इजाजत दी है, इसलिए कि आप इस जगह खड़े होने के, इस वक्त में खड़े होने का आप पैसा ले रहे हैं, उससे मुआवजा ले रहे हैं, है कि नहीं। लिहाजा आपको अपनी तरफ से तसर्रुफ किया जाता है साथियों। इसी तरीके से काम के सामान और औजार वगैरह को अपने जाती और अपने साथियों के काम में इस्तेमाल न किया, यह भी अमानत में दाखिल। औजार है ना, किसी वर्कशॉप में है कि नहीं, वहां पर रहता है ना सामान, किसी मदरे में है वहां पर कुछ सामान है कि नहीं, सामान कोई भी आदमी छोटा है या बड़ा है,
तो उस सामान को इंसान अपने जाति और अपने साथियों के लिए इस्तेमाल ना करे। कुछ लोग होता क्या है, ड्यूटी है, ड्यूटी खत्म हुई तो क्या होगा, हम अपने दोस्तों को गाड़ी ला करके बना देंगे। ऐसा होता ही नहीं होता है, रोकना चाहिए। इल्ला ये कि आप अपने घर में कहें कानून इजाजत देता है, आपके अपने औजार हैं, यहां के औजार नहीं है, यहां का सामान नहीं, आपका अपना हुआ है, फारिग वक्त में आप अपना काम कर रहे हैं, अलग मसला है। लेकिन यहां के सामान को, यहां के वक्त को, यहां के गढ़े को, यहां की चीजों को इस्तेमाल करना जाति मसलक के लिए जायज नहीं है साथियों। एक और अहम चीज है साथियों कि काम के राज को छुपाए, हर काम की जगह जहां पर काम करते हैं उसके कुछ राज हुआ होता ही नहीं होता है, उसे छुपाना है जाहिर नहीं, क्यों आप उस पर अमीन बनाएगा। और आखिरी चीज इस सिलसिले में, चीजें तो बहुत हैं साथियों, वो यह है कि अमानत के अंदर खयानत में यह भी दाखिल है कि अगर कोई आपके साथ खयानत कर रहा है तो आप उसके साथ भी खयानत करें। मिसाल के तौर पर आपसे कोई गलती हुई और कफील ने आपका पैसा काट लिया, सेठ ने आपका पैसा काट लिया, तो आप क्या करते हैं, हमें वो तो निकालना है किसी तरीके, होता ही नहीं। हमसे इतना मामला तय हुआ था, हमें तनख्वाह कितनी दे रहा है, इतनी दे रहा है, लिहाजा हम उसको निकाल लेते हैं। और मिसाल बकाले पर बैठा है अगर, तो रोजाना 10-15 निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला, तो क्या मालूम होगा, मालूम होगा ना। और हुज्जत क्या है, अरे भाई हमें हमारा पूरा हक नहीं दे, ये तरीका भी खयानत में दाखिल इस्लाम इसके जाते हैं। सुनो अबू दाऊद में रवायत है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिल अमानत इला मन इतमक वला तखुन मन खानक, जिसने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी है उसको पूरी करो, ड्यूटी की शक्ल में है, चीज की शक्ल में है, वक्त की शक्ल में है, किसी भी शक्ल में है, वो अमानत तुम्हें पूरी करना है। वला तखुन मन खानक, अगर तुम्हारे साथ कोई खयानत करता है तो उसका बदला खयानत से तुम्हें नहीं देना। ये सही हदीस सुनना अबू दाऊद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आपके साथ अगर कोई खयानत करे तो आप उसके साथ खयानत ना करें। बल्कि एक ताबेई है यूसुफ ने माहिक अल मक्की, वो बयान करते हैं कि फला, नाम नहीं लिया, फला सहाबी, वो यतीमों के निगरान बैतुल माल की तरफ, हुआ यह कि पता नहीं कहां से गलती हो गई कि 1000 का मामला, 1000 दिरहम का गबा, अब उन्होंने अपनी तरफ से भरा, उन्होंने अपनी तरफ से भरा। फिर कहा एक वक्त ऐसा आया, चूंकि मैं उनका मुंशी था, मैं लिखता था, एक बार ऐसा आया कि उन लोगों की तरफ से 2000 दिरहम आ गए जिसका कोई हिसाब नहीं था, 2000 दिरहम ऐसे आए जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो हमने कहा कि अब ऐसा कहते हैं कि 1000 इसमें से ले लेते हैं, इसलिए कि आपने दिया है और आप जो है गलती हो गई थी, कहीं आप खाए तो नहीं है ना, जरा देखेंगे आप खाए नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तखुन मन खानक, अद्दिल अमानत इला मन इतमक, जो तुम्हें अमानत दी गई है उसको पूरा करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे उसके साथ खयानत ना करो। छठा अदब साथियों यह है कि हराम अमल से परहेज किया, जो काम हराम हो, कमाई का जरिया, किसी भी चीज जरिया, उसे परहेज किया जाए, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने जहां हमें काम का हुक्म दिया है वहां पर फरमाया, तुम्हें गैब जानने वाले, हाजिर जानने वाले के पास लौटाया जाएगा और तुम्हारे काम का वो बदला देगा, तुम क्या करे तुम्हें उसका वो बदला देगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कोई भी अमल नाजायज अगर शरीयत तुमसे रोजी का जरिया है, जैसा कि ये बार बार आप सुनते आए हैं, रोजी का जरिया अगर है तो हमें उसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। छठा अदब क्या है साथियों, साथियों के हुकूक का पासो लिहाज करें। उमूमी तौर पर बहुत से हमारे भाई काम करते रहते, उनके साथ साथी काम करने वाले हैं ना, उनके साथियों के हुकूक को पास लिहाज किया, ये हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा जरिया। यानी साथियों के हुकूक क्या है, हमारे साथी का एक हक है कि उसके साथ तआवुन किया। हर आदमी जानते हैं कोई काम करने में एक स्पीड का नहीं होता, हर आदमी कोई काम करने में एक सलाहियत का नहीं होता, हर आदमी कोई काम करने में उतना ही तेज नहीं होता। तो चाहिए कि हमारा साथी अगर किसी लिहाज से कोई कमजोर है,
किसी वजह से वो गायब हो गया है, बेचारा बीमार हो गया, नहीं आ पाया, तो हमें चाहिए कि साथी मिलजुल करके उसके काम को पूरा करें। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है, तआवनु अलल बिर्री वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान, नेकी के कामों पर एक दूसरे की मदद करो। और इस हदीस को भी गदरा गौर करें जो सही मुस्लिम शरीफ में है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल आ रही है। बसा औकात होता क्या है साथियों, हम अगर किसी ऑफिस में है, किसी और जगह है, हमारा कोई भाई वक्ती तौर पर कुर्सी से गायब, कोई आदमी ऐसा काम लेकर गया जो उसका, हम क्या करें, अरे भाई नहीं है तो मैं क्या करें। खास तौर पर अगर उसके साथ हमारी थोड़ी सी नाचाकी चल रही है, भाई नाचाकी को आप किनारे रखें, आप कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने भाई की मदद कीजिए, साथी की मदद कीजिए, है कि नहीं। तो यह भी अदब है कि एक दूसरे का की मदद की जाए। आठवीं चीज यह है कि मशवरे से काम लिया जाए, ये काम के अदब में दाखिल। भाई मिसाल के तौर पर आप यहां पर आए, कुछ लोग होते हैं बड़ी नाक वाले होते हैं कि किसी से मशवरा नहीं करना चाहते, किसी नतीजा क्या होता है, मेरे सामने बहुत से मुशाहिदे ऐसे हैं, मशवरा नहीं किया नतीजा क्या है, कामयाब नाकाम। आप मिसाल तौर कहीं दूसरे शहर में गए, अपने शहर को छोड़ करके अपने मुल्क छोड़ दूसरे मुल्क में गए, वहां जो लोग मौजूद हैं समझदार लोग हैं, जरा पहले उनसे मशवरा तो कीजिए, उनसे मशवरा लीजिए कि हमें ये, इसलिए कि मुसलमानों के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, वह अमरहुम शूरा बैनहुम, उनके मामलात एक मशवरे से तय पाते, और मशवरे के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी, बड़ी बरकत रखी। हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को क्या हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में उनसे मशवरा कीजिए। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल मशवरे के मोहताज नहीं है, कि मोहताज अल्लाह और उसके मशवरे के मोहताज नहीं है, लेकिन हमें और आपको तालीम देना कि जो आदमी मशवरा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। तो कोई भी बात हो तो उसको मशवरे से काम हमें लेना चाहिए, और वहीं पर जो मशवरा दे उसके ऊपर वाजिब है कि सही मशवरा दे। बसा औकात होता क्या है कि हम या तो सेठ की दुश्मनी, उसकी मुखालफत, या इस आदमी के आने से हमें कुछ एलर्जी है, तो इसकी वजह से हम उसे सही मशवरा नहीं, हम उसे सही मशवरा नहीं देते। बसा औकात अगर छोड़ करके चले जाओ, मैं मिसाल दूं अभी करीब बताया, बड़े मुशाहिदात हैं हमारे साथियों, अगर हम हर जगह मुशाहिदात को रखते रहें तो वक्त गुजर जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। अभी एक साहब एक दुकान पर थे, मिसाल के वो छुट्टी गए, कफील से इख्तलाफ हुआ और दूसरा आदमी आया वहां पर, उनका रिश्तेदारी और काम कर, तो अब चूंकि वो नया आया था इनसे मशवरा ले, तो उसको ऐसे ही उल्टा सा मशवरा दे, छोटे क्यों लेते हो तुम्हें, भाई आप तो काम करते रहे, आप देखिए कि आप चले गए हैं तो आपका रिश्तेदार है, बजाय इसके कि सेठ से इख्तलाफ होगा, दुकान नहीं चलेगी, उसका नुकसान होगा, नहीं नुकसान होगा, अब सेठ की मुखालफत तो दुश्मनी को, उसकी दुकान टूट जाए, उसकी दुकान ना चले, आप उसको सही मशवरा नहीं दे रहे, चाहिए कि सही मशवरा दे ताकि आपका रिश्तेदार है ये भी चले, और वो सेठ मुसलमान है, अगर कामयाब हुआ तो आपका क्या, ना नुकसान फायदा होगा ना नुकसान होगा, अगर उसकी दुकान टूट गई तो आपको फायदा होगा साथियों, कोई फायदा नहीं हो। तो कहने का मतलब यह है कि शरई उसूल ये है कि अगर कोई आदमी मशवरा दे रहा है आपको, मशवरा ले रहा है आपसे, तो आप सही मशवरा दीजिए। हदीस शरीफ में है सुन अबू दाऊद में कि अल मुस्तशार मुअतमन, जिससे मशवरा लिया जा रहा है उसकी अमानतदारी है कि वो सही मशवरा दे, अगर गलत मशवरा दे रहा है तो गोया खयानत कर रहा है और खयानत का गुनाह उसे भुगतना पड़ेगा। तो कोई भी आपका साथी है, चाहे जिस मैदान में है, आपके साथ फर्म है, आपके कमरे के साथी, कोई भी चीज है, अगर मशवरा आपसे ले रहा है तो आपको उसे मशवरा सही देना चाहिए। नौवीं चीज साथियों, नसीहत और खैरखाही से काम ले। तो एक चीजें और बाकी रह गई हैं, नसीहत और खैरखाही से काम ले, इसका माना क्या, जहां काम कर रहा है इंसान उसके लिए दिल में खैर का जज्बा, वो हमारे साथ कैसा ताल्लुक कर रहा है ये अलग मसला है,
अल्लाह के यहां उसका जवाब दे कौन होगा? वो है कि नहीं? लेकिन हमें यह काम कर रहा है वो नेक है बुरा है कैसा भी है, हमें उसके काम के साथ खैर का ही का जज्बा रखना चाहिए, उसके काम को अपना काम समझना चाहिए, उसके नुकसान को अपना नुकसान समझना चाहिए और उसे बेहतर से बेहतर अंदाज में अदा करना। यह नसीहत का मान हदीस शरीफ में है कि अद्दीन अन नसीहा, दीन किसका नाम है साथियों? नसीहत और खैर खाही का नाम। साहबा ने पूछा किसके लिए? आपने फरमाया अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, मुसलमानों के इमाम के लिए और आम मुसलमानों के। नसीहत क्या है साथियों? आम मुसलमानों के लिए भी खैर खाही की जाए। यानी इस खैर खाही का माना क्या है कि इंसान उसके नुकसान की कभी ना सोचे, जो सोचे उसके फायदे ही की, और इंसान एक अकल से सोच ले। अल्लाह ताला ने इस जगह को हमारी रोजी का जरिया बनाया और हमारे साथ साथ वो आदमी मान लिया कि है वो बुरा है, लेकिन हो सकता है उसके बच्चे बुरे ना हो, छोटे छोटे बच्चे है कि नहीं, हो सकता है उसकी बीवी बुरी ना हो सकता है, इसके जरिए उसके मजबूर बूढ़े मां बाप का भी खर्चा चल रहा। हम ये नसीहत रखते हैं, दिल में अच्छा जज्बा रखते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे तो ये सारे लोग आराम से रहेंगे और अल्लाह ताला हमें उसका अजर। तो इंसान नसीहत का दर्जा रखे, इसीलिए हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला बजरी, जरा देखें जो लोग इसको समझते कैसे उसके ऊपर अमल करते। जरीर इब्न अब्दुल्ला बजरी की हदीस बुखारी शरीफ में है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने हमसे बैअत किया किस पर? नमाज पढ़ने पर, ज़कात देने पर और हर मुसलमान के साथ नसीहत कर। तो वो कोई चीज खरीदते और बेचते तो क्या कहते कि हे भाई देखो सुन लो अच्छी तरीके, मिसाल के तौर मिसाल दे रहा हूं, एक ऊंट बेचा तो जो पैसा लिया ना, कहा कि जो हमने तुमसे लिया है ये हमारे नजदीक उससे ज्यादा पसंदीदा है जो तुमको दिया, जो हमने तुमसे लिया है ये हमारे नजदीक उससे ज्यादा पसंदीदा जो तुमने तुमको, इसलिए कि अगर ये पसंद तो हम बेचता, मैं बेचता क्यों है कि नहीं? अगर हमें पसंद वही होता क्यों बेचता भाई? मैं ये खरीद रहा हूं, पैसा तुमको दे रहा हूं, मुझे ये जो चीज हमने खरीदी है ये मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है उससे जो तुमको दिया है। और हमारे नबी ने हर मुसलमान के साथ नुस और खैरखाही का हुक्म दिया है, लिहाजा मैं तुमसे ये बता दे रहा हूं तुम्हें अगर ये सौदा करना है तो करो वरना ना करो। जरा देखिए सहाबे इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। तो साथियों इसलिए कामयाब हुए दुनिया के अंदर, नमाज पढ़ी करके कामयाब हुए हैं, रोजा रखी करके कामयाब हुए, नमाज छोड़कर कामयाब नहीं। और आज हम ये समझते हैं कि नमाज वगैरह छोड़ करके जितने आजाद होंगे दुनिया मेहनत करो वैसे कामयाब होगा, नहीं। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए और उसके साथ साथ इन उसूलों को अपनाइए, आप कामयाब। तो कहने का मतलब है कि हर आदमी जहां पर काम करा उसके साथ नसीहत। बल्कि मुसनद अबू याला में एक हदीस मेरी नजर से गुजरी कि एक सहाबी है वासिला इब्ने अस्का रजी अल्लाह तआला, नबी सल्लम सहाबी, उन्होंने एक हदीस बयान की कि कोई शख्स कोई चीज बेचता है अगर उसमें कोई ऐब है तो जरूरी है कि बता दे, जिस जो उसको ऐब को जरूर बता दे, और अगर ऐब को नहीं जानता बल्कि यहां तक है अगर कोई दूसरा आदमी बेच रहा है और उसमें चीज में ऐब जानता है तो उसको भी जाकर बताए भाई इस चीज में ये ऐब है, अगर जो बेचने वाला नहीं बता आज लड़ाई हो जाए है कि नहीं? लेकिन जब लोग दीन के ऊपर आमिल थे तो इस बारे में लड़ाई नहीं। अबू सेबा नामी एक ताबई है वो कहते हैं कि मैं वासिला रजी अल्लाह ताला अन्हो के घराने में गया एक ऊंट लेने, ऊंट खरीद करके मैं जा रहा था तो क्या देखता हूं कि तहबंद बांधते हुए घसीटते हुए भाग कर के आए, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे रुको रुको रुको, क्या मामला? कहा तुमने इसे खरीद लिया है? कहा कि हां। कहा कि इसमें जो ऐब है तुम्हें बताया गया?
ऐब क्या? देखो माशाल्लाह देखने में बड़ी तंदुरुस्त है, सही चल रही है, उसमें ऐब क्या है? कहा ये बताओ तुम तंदुरुस्त कह रहे हो तो तुमने गोश्त के लिए लिया है या कि सवारी के लिए लिया है? तुम ये करो बताहिर तंदुरुस्त है ना, तो तुमने खरीदा क्यों है इसको, गोश्त के लिए कि सवारी के लिए? कहा मैं हज करना चाहता। तो कहा याद रखो इसके पैर में नीचे थोड़ा सा ऐब है, इसके पैर में नीचे थोड़ा सा, असल में क्या होता है चलते चलते जब घिस जाता है ना, जब घिस जाता है, नखर कहते हैं उसको अरबी में, जब घिस जाता है कोई धब्बा पड़ जाता है थोड़ी दूर तो चलेगी लेकिन उसके बाद क्या है वो? कहा कि उसमें थोड़ा सा ऐब। अब जिसकी ऊटनी थी कहा कि अल्लाह के बंदे मेरा सौदा क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि किसी इंसान के लिए जायज नहीं है, किसी इंसान के लिए यह जायज नहीं है कि कोई ऐसी चीज बेचे जिसमें अगर कोई ऐब है तो उसका ऐब को ना बताए। और अगर कोई आदमी बेच नहीं रहा लेकिन बेचने वाले को देख रहा है, अगर उसमें कोई ऐब है तो उसके लिए बताना जरूर लेता हूं, बता दे रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है साथियों, नुस्खे से काम लेना चाहिए। दसवीं चीज साथियों अदब यह है कि ये बताइए इंसान दुनिया में पैदा क्यों किया गया है? जी अल्लाह की अदालत, लिहाजा कोई ऐसा काम उसके लिए करना जायज नहीं होगा जो अल्लाह की इबादत में रुकावट बने। कोई ऐसा काम ना कोई नौकरी जायज, ना कोई पेशा जायज, ना कोई ऐसा काम किया जाएगा कि इबादत के अंदर रुकावट बने। इसलिए कि इंसान कमाता क्यों है, इसलिए कि जिंदा रहे, जिंदा क्यों है ताकि अल्लाह की इबादत है कि नहीं, जिंदा क्यों है ताकि अल्लाह की इबादत करे। अब अगर जो है वो अल्लाह की इबादत ही नहीं करता है तो जिंदा रहने का फायदा, कमाने का फायदा क्या है? तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे मुनाफिकून, जो सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे को तकरीबन पढ़ा करते थे या एक जुमा छोड़ करके एक जुमे, उसमें एक सूरत सूरतुल मुनाफिकीन भी है ना सूरतुल मुनाफिकीन। उस सूरत का आखिरी रुकू साथियों कहां से शुरू होता है? या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, और जिसने ऐसा किया यानी माल को संवारने में औलाद को संवारने में अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा तो यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले और घाटे के। और इस नुक्ते पर फिर गौर करें, ये आयत मुनाफिकीन की सिफात बयान करते हुए नाजिल, गोया अल्लाह के जिक्र से गाफिल होना माल कमाने की वजह से, ड्यूटी की वजह से, नौकरी की वजह से, बच्चों की वजह से अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाना ये निफाक है, ये ईमान। मैं अपनी तरफ बात नहीं कर रहा, बुरा ना माने कोई, मैं अपनी नहीं कर रहा है ना। सूरह मुनाफिकून में मुनाफिकीन की सिफात बयान करने के वजह ही नाजिल हुई है, नहीं नाजिल हुई है? जाकर के तफसीर किताबें उठा करके देख लीजिए कि ये आयत अल्लाह ताला ने इसलिए बयान फरमाई है कि ये ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। तो आप जो है औलाद की मोहब्बत में नमाज को छोड़ देंगे, शायद औलाद तो राजी हो जाए लेकिन औलाद का खालिक राजी नहीं। ड्यूटी की वजह से आप नमाज से गाफिल हो जाएं, शायद आपका सेठ अगर बददीन हो वो तो राजी हो जाए लेकिन अल्लाह राजी नहीं होगा। और जिसने ऐसा किया क्या किया? फऊलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग कभी भी कामयाब नहीं, ये लोग हमेशा नाकाम। और साथियों मैं समझता हूं कि ये बहाना बनाना कि मेरी ड्यूटी लंबी, ये बहाना बनाना कि मुझे वक्त नहीं मिलता है, ये झूठ। कोई भी ऐसी नौकरी करना जायज नहीं है, कोई भी नौकरी चाहे सस्ती है या महंगी है, कोई भी ऐसा सौदा जायज नहीं है चाहे सस्ता है या महंगा है जिसकी वजह से इंसान नमाज से गाफिल हो जाए, अल्लाह के जिक्र से गाफिल।
جائز نہیں ہے. لہذا ایسی نوکری کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سورہ نور میں مومنین کی صفات بیان کرے اور فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال وہ ہیں, مرد وہ لوگ ہیں, حقیقی مردانگی یہ ہے ساتھی, یہ نہیں ہے جو اپنے مخالف کو پچھاڑ دے, یہ نہیں ہے جو صبح سے شام تک بڑا بہترین انجینئر ہے, بڑا بہترین پروفیسر ہے, دن میں گدھے کے طریقے سے کام کرتا رہے اور رات میں مردے کے طریقے سے پڑا رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق جاہل بعمر الاخرہ ماہر بعمر الدنیا جیفت باللیل وحمار بالنہار. اللہ تعالی ہر ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے جو گھمنڈی اور متکبر ہو, جواد بڑا پیٹو ہو, ہے نا, کھا لیا ہے اتنا ظاہر بات, اوور لوڈ ہو کر کے کھائیں تو فجر کے لیے کہاں اٹھا جائے گا نماز, سستی تو لگے گی, ہے کہ نہیں. کچھ لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور افطاری اتنا جم کر لیتے ہیں کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کچی ڈکاریں آتی ہیں, تحری اتنا کھا لیتے ہیں فجر کے دن جائیں گے تو اس لیے سستی رہتی ہے, اگر دو منٹ بھی امام لیٹ ہو گیا تو قیامت کھڑی ہو گئی. اور نماز پڑھے نہیں کہ تسبیح کیا پڑھنا ہے, یہ کہ سیدھے جو ہے بستر پر جب اوور لوڈ ہو کر کھائیں تو یہی نتیجہ نکلے گا. تو ان اللہ یبغض, اللہ نفرت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے کس شخص سے, کل جعذری متکبر گھمنڈی سے, جواد پیٹو سے, سخاب بالاسواق بازار میں شور شرابہ کرنے والے, یعنی بازار میں پاؤں لگانے والے, یا ماہر بعمر الدنیا نہیں جیفت باللیل وحمار بالنہار, رات میں مردے کے طریقے سے پڑا ہوا, وحمار بالنہار دن میں گدھے کے طریقے سے محنت کر رہا ہے, جاہل بعمر الاخرہ آخرت کے معاملے میں اسے وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے, وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹنا یہ بھی نہیں معلوم ہے, آخرت کے بارے میں اتنا جاہل ہے. وہ ماہر بعمر الدنیا دنیا کے بارے میں بڑا ماہر. تو یہ رجال نہیں ہے ساتھیو, یہ مرد نہیں ہے اسلام کی قرآن کی اصطلاح میں. مرد کون ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارہ, مرد وہ ہیں کہ لا تلہیہم تجارہ, انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے, نماز سے اور زکات سے غافل نہیں کرتی ہے. سورہ نور میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, کیوں, وجہ کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب وابصار, وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن لوگوں کے دیدے پتھرا جائیں, یعنی قیامت کا انہیں خوف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ ادب یہ ہے, شرعی ادب یہ ہے کہ ہمارا کام کوئی بھی ہے, اپنا ذاتی کام ہے, نوکری کا کام ہے, آفس کا کام ہے, باہر مزدوری کا کام ہے, کہیں بھی کام ہے, روڈ کا کام ہے, آفس کا ہے, کوئی کام ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, اگر وہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اور آخری بات ساتھیو, معذرت ساتھ اگر بات لمبی ہو گئی, تو قانون اور نظام کی پابندی ضروری ہے, قانون کی اور نظام کی پابندی ضروری ہے. بھائی مثال دوں آپ کو کہ دیکھیے, ایک شخص سے آپ کا طے ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے نا, لیکن اس کا کچھ نظام ہے کہ کے بجے سے کے بجے تک, یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تو بھائی آدھا گھنٹہ بعد میں کر دوں گا, یہ اگر آپس سیٹنگ ہو تو الگ مسئلہ ہے, لیکن شرعی طور پر اس لیے کہ ہر آدمی ایسا کرنے لگے تو جی آپ ہے کہ نہیں, اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کو کام سے مطلب ہے نا, اور اسی بہانے لوگ چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, وقت کی چوری, ڈیوٹی کی چوری کرتے,
ठीक है, अगर आप अपनी मजबूरी जाहिर कीजिए भाई कि मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाता, अलबत्ता आपका जितना काम वो पूरा कर देता हूं, अलग मसला। लेकिन अगर ये मामला नहीं है तो आपको जो निजाम है, मिसाल के तौर पर काम के औकात की पाबंदी करनी है, आने और जाने के वक्त की पाबंदी करनी है। अगर 8 बजे है, 8:05 पर आप आ रहे हैं, तो आप 5 मिनट की नौकरी आपकी क्या है, कमाई हराम की। इल्ला ये कि जिसने आपको रखा वो इसकी इजाजत, इसकी क्या करेंगे इजाजत है कि हाँ भाई कितना लेट तुम हो सकते, वरना नहीं। क्यों? इसलिए कि उसने यहां से वहां तक आपका वक्त गोया खरीद लिया, उस वक्त का मालिक वो है आप नहीं, और दरमियान में भी किसी शरई जरूरत के बगैर आप नहीं निकले। आप निकलते हैं तो गोया दूसरे के वक्त में। तो कामयाबी का एक वसूल यह भी है, काम का एक अदब यह भी है कि इंसान जहां काम कर रहा है उसके कानून क्या है, उसके निजाम की पाबंदी भी जरूरी है। इसलिए कि हर जगह कुछ निजाम और उसूल हुआ करता, बगैर निजाम और उसूल के काम नहीं। मिसाल के तौर पर एक बात यह भी कि जो आपका जिम्मेदार है उसकी बात आप माने, आप अपने मिजाज से काम ना करें, है नहीं, आप अपनी तबीयत से काम ना करें। जिसने आपको रखा है वो, या उसने अगर किसी को आपके ऊपर मुदीर बना दिया है वो, लेकिन मुदीर को भी चाहिए कि अपने साथियों के साथ क्या तआवुन और उसूल से काम। साथियों बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात, ये हमारे खुसूसत बर्रे सगीर जहां हम लोग रहने वाले हैं, ये चीज मैं अपना तजर्बा अगर बताऊं लोगों के, तो आप लोग ताजुब करें। मिसाल के तौर पर हमारे यहां हॉस्पिटल में, हमारे यहां हॉस्पिटल में डॉक्टरों का मुदीर क्या थे, एक किसी दूसरी नेशनलिटी का, लोग उससे शाकी थे लेकिन इस पर शाकी नहीं थे। हुआ क्या कि अपने यहां के लोगों में वो कहीं चला गया, छुट्टी चला गया या कुछ चला गया, तो अपने यहां बड़े सगीर यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, ये तीन जाहिर बात एक ही मुल्क पहले माना जाता था, और ये तीनों लोग अपने को तकरीबन एक ही समझते हैं, है कि नहीं है। वहां का एक आदमी उनका मुदीर, खुद डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि हम लोग अल्लाह से दुआ करते कितना जल्दी वो आ जाए, किससे छुटकारा मिले, अल्लाह की कसम बता। और जब उनसे बात हुई तो कहा यह सिर्फ हमारा मामला नहीं, अलबाहा से हमारे एक साथी ने टेलीफोन किया कि अगर फला नेशनलिटी के रहता है तो कुछ रहम करता है, लेकिन हमारे लोग आते हैं तो बिल्कुल फिरौन बन जाते हैं। तो साथियों हम यहां पर सऊदियों और मिस्रियों को बुरा भला कहते हैं ना, लेकिन हमारे लोग अगर वहां पर हो जाया करते हैं, कोई जाता है तो हमारे साथ जो मामला करते हैं वो उनसे बुरा रहा। मैं बताऊं यहां पर हमारे यहां के आने वाले एक साहब को जरा सा कुछ अच्छा मकाम मिल गया, वो अपने कफील के नाम से कुछ नौकरों को लेकर के आए हिंदुस्तान पाकिस्तान, यहां के लोगों को आप माने कि रमजान उन्हें रोजा नहीं रहने, अपने यहां के कहते थे यहां हमने तुम्हें रोजा रखने के लिए नहीं बुलाया, किसके लिए बुलाया है, काम कराने के लिए बुलाया। जी मैं अभी तक लोग मौजूद हैं, उनके गवाही दिलवा सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जहां इसके उसूल की पाबंदी करती है वहां जो हमारा जिम्मेदार है, इसलिए साथियों एक अलग मौजूद था, दरमियान बात आ गई तो हमने कह दिया, ये काम करने वालों के आदाब बता रहा हूं, काम कराने वाले के आदाब और है शरीयत, काम जो कराता है उसके आदाब और है, अपने जो नीचे लेबर है उनके साथ किस तरीके से वो पेश आए, एक दरमियान बात आ गई तो हमने कह दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जिम्मेदारों की बात मानना यह भी क्या है, उसूल में दाखिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया, अपने अमीर की इताअत का हुक्म दिया है, अमीर की इताअत का, बल्कि बज़ाहिर अगर अमीर से गलती भी हो रही है लेकिन कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं जिसमें शरीयत की बहुत बड़ी कोई मुखालफत है, तो उसकी बात भी मानने का हुक्म है शरीयत। जी हां, ये कोई दूसरा मौजू जो आपके सामने हम रखें, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर उसका जो उसूल है उसको सामने रखें। मिसाल के तौर पर आने जाने ड्यूटी का वक्त है कि नहीं है, अब हमारे ऊपर जो फोरमैन है मुदीर है उसकी इताअत उसकी बात मानने का हुक्म है कि नहीं। एक आदमी हमारा साथी रहा करता है
बड़ी दोस्ती रहती, लेकिन हमारा फोरमैन बन गया तो है बात सही नहीं सही। अब उछाला क्यों मुझे क्यों पैदा हुआ? इसका मतलब यह है कि या तो वो गलती कर रहा है तो हम गलती कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ही गलती कर रहे हैं, किसी से गलती है कि नहीं गलती है, चाहे मिजाजी तौर पर गलती हो, हसद पैदा हुआ या कोई और बात पैदा हुई, लेकिन ये गलती है। इसी तरीके से बाहमी ताउन से काम लेना। खैर, ये चंद बातें थी साथियों जो मुझे जल्दी में आपके सामने, आदाब अमल क्या है, हमें किस काम में अपना जो काम करें, दुनिया का काम है किसी और कोई काम है, तो उसमें कामयाबी के लिए क्या उसूल है, ये हदीस और कुरान, कुरान और हदीस की रोशनी में हमने आपके सामने रखना चाहा। अगर इसके अंदर कोई गलती है तो अल्लाह तबारक तआला से मैं माफ़ी चाहूँगा, और अगर हमारी बातें हक हैं तो अल्लाह ताला हमें और आप और तमाम मुसलमानों को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा और आप कहाँ पर बैठना कबूल फरमाए, यहाँ जमा होने की बरकत से अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस्लाह कर दे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।